गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अर्थवर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। केचुए के पाचन तंत्र के अंदर प्रमुख भाग जैसे भोजन, केचुए की आहार नाल और उसमें पाचन कैसे होता है। सबसे पहले मैं आहार नाल की बात करता हूँ। आहार नाल के प्रमुख भाग हैं मुख, मुख प्रकोष्ठ, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसिका, ईसोफेगस, पेशनी, गिजर्ड, आमाशय, स्टमक, आंत्र, इंटेस्टाइन, तीन भागों में विभक्त है आंत्र। आंत्रवलन पूर्व क्षेत्र प्री टिफ्लोसोलर रीजन, आंत्रवलन क्षेत्र टिफ्लोसोलर रीजन, आंत्रवलन पश्च क्षेत्र पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। और गुदा कौन से खंड से कहां तक ये स्थित होते हैं। हम मानते हैं कि केचुए के अंदर 100 से 120 खंड होते हैं, तो उसमें आहार नाल भी इन सब खंडों में उपस्थित है। प्रथम खंड पे मुख और अंतिम खंड पे गुदा स्थित होती है। इसलिए एनेलिड्स के लिए कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, बाहर एक नली बॉडी वॉल की, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये बाहर एक नली, ये बॉडी वॉल की है। अब इसके अंदर आहार नाल देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आहार नाल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो जैसे ये पहले खंड पे मुख ये था, यहाँ पर ये बकल चैम्बर या मुख गुहा हो जाएगी, इसके जस्ट एडजॉइनिंग फेरिंग्स होगी और फेरिंग्स के पीछे यहां पर ये ईसोफेगस ग्रसिका होगी। ईसोफेगस के पीछे की ओर एक चौड़ी पेशीय संरचना जिसे हम पेशनी कहते हैं ये स्थित होती है, और पेशनी के पीछे यहां पर आमाशय स्थित होता है। ये आमाशय पीछे की ओर चौड़ी आंत्र में खुलता है या चौड़ी आंत्र बनाता है, तो ये इंटेस्टाइन हो जाएगी। इंटेस्टाइन में तीन भाग हमने बताए ऊपर, पहला भाग यहां तक 26वें खंड तक स्थित है और यहां से एक स्ट्रक्चर निकल रही होती है जिसे हम इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं। इसके बाद में ये पीछे का भाग बनाती है। अब ये आहार नाल की जो ये भाग हैं, जो ऊपर हमने लिखे हुए हैं कि कौन सा भाग कौन से खंड में स्थित है, उनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहले बात कहते हैं मुख। हमने यहाँ ये मुख है, मुख प्रथम खंड पर अर्धचंद्राकार रूप में व्यवस्थित स्थित होता है, और प्रथम खंड को हम कहते हैं यहाँ पे पेरिस्टोमियम, परिमुख। इस पेरिस्टोमियम के ऊपर एक छज्जे जैसी आकृति की संरचना होती है जिसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। अगर मैं यूं कहूं कि ये पेरिस्टोमियम है और ये इसकी बॉडी वॉल हो गई, तो इसके ऊपर ये इस तरह की संरचना, इसे हम कहेंगे प्रोस्टोमियम, पुरोमुख। तो ये परिमुख हो गया, ये पुरोमुख हो गया जो इसके ऊपर स्थित है। दरअसल में ये इसको भोजन करने में मदद करता है, आगे गड्ढा खोदता है जिसकी वजह से इसमें मुख में भोजन अंदर धंसता है और पीछे पंपिंग एक्शन इसकी बकल कैविटी की। मुख के पीछे मुख गुहिका अप टू द मिडिल ऑफ द थर्ड सेगमेंट, अर्थात तीसरे खंड के मध्य तक ये स्थित है। हम जानते हैं कि प्रथम पट अगर उपस्थित होगा तो चौथे पांचवें खंड से उपस्थित होगा, तो यहाँ पट उपस्थित नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक पेशीय संरचना उपस्थित होगी और वो यहाँ कहलाएगी ग्रसनी, जो कि अप टू द फोर्थ सेगमेंट देखने को मिलती है। के साथ में यहाँ पर पहला पट, यूं कहूं कि ये चौथा खंड, ये पांचवा खंड, तो चौथे पांचवें खंड के बीच में पहला पट उपस्थित हुआ। इसके बाद में ये पांचवा, छठा और ये सातवां, ये खंड उपस्थित होते हैं यहाँ पर। पांचवें, छठे, सातवें खंड के अंदर जो नलिकाकार संरचना है ये ईसोफेगस है। आठवां खंड यहाँ पेशीय संरचना, मोटी पेशीय संरचना यहाँ देखने को मिलती है और इसको हम कहते हैं गिजर्ड या पेशनी, ये आठवें खंड में उपस्थित होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से नौवें से, और ये आ गया चौदवा खंड, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया चौदवा खंड। तो 9 से 14 खंड तक ये उपस्थित वाला भाग जिसे हम आमाशय कहते हैं।
पंद्रहवें खंड से और यह 26वां खंड है। यहां पर हम देखते हैं ये 26वां खंड है जहां पर इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम निकलते हैं। 15, 16, 17 से लगा के ये 26वें खंड तक ये जो आंत्र कहलाती है इसे कहते हैं हम प्री टिफ्लोसोलर रीजन, प्री टिफ्लो सोलर रीजन अर्थात आंत्रवलन पूर्व क्षेत्र। 26वें से पीछे के 25 से 23 खंड छोड़कर ये वाला खंड, यहां से यूं कहें कि 15 से 26वें खंड तक यहां उपस्थित होती है आंत्रवलन पूर्व क्षेत्र। आमा से हमें 9 से 14वें खंड तक देखने को मिलता है। 15वें से 26वें खंड में आंत्रवलन पूर्व क्षेत्र देखने को मिलता है। 26वें से लगभग 90 से 95वें खंड तक, 26वें से 90 95वें खंड तक हम यूं कहते हैं कि पीछे के लगभग 23 से 25 खंड छोड़ दें तो उनमें पीछे के खंडों में ये यूं कहें कि 95 से 120 खंडों के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये आंत्रवलन पश्च क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे हम रेक्टम भी कहते हैं, मलाशय भी कहते हैं। और लास्ट का खंड के ऊपर उपस्थित होती है जिसे हम पाइजिडियम या एनस उपस्थित होता है। इस आंत्र के इन भागों की अगर हम यूं कहें कि इसकी भित्ति की संरचना कैसी है तो थोड़ी सी बात हम इसकी भी कर लेते हैं, फिर इनके कार्यों की बात करेंगे कौन से भाग में क्या काम होता है। देह भित्ति की संरचना अगर इसका हम काट देखते हैं तो इसके काट में ये स्तर जो है ये उल्टे चलते हैं। देह भित्ति के काट में ये उल्टे चलते हैं, सबसे बाहर की तरफ होती है क्यूटिकल, उसके बाद में एपिथिलियम, उसके बाद में मसल्स और अंदर की तरफ सिलोमिक पेरिटोनियम। जबकि आहार नाल की भित्ति की संरचना करते हैं तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आती है और इसमें सबसे बाहर की तरफ सिलोमिक पेरिटोनियम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसके बाद में मसल्स देखने को मिलती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलती हैं, इसके नीचे एपिथिलियम देखने को मिलती है और फिर इनर मोस्ट लेयर क्यूटिकल की होती है। ये जरूरी नहीं है कि क्यूटिकल की परत पूरी आहार नाल के अंदर फैली हुई हो, लेकिन इसका एविडेंस ये माना जाता है कि अंदर क्यूटिकल की परत होती है, बताएंगे कहाँ होती है। सबसे पहली बात अब भोजन ग्रहण करने की बात करते हैं हम, तो हम जानते हैं कि केचुआ, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि केचुआ उन भागों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर पानी और घास फूस पेड़ों की पत्तियां जो है वहां उपस्थित होती है, अर्थात ह्यूमस जहां देखने को मिलती है वहां पर केचुआ, इस यहाँ पर इसका पंपिंग एक्शन की वजह से इसमें भोजन अंदर आता है, खींचता है ये भोजन को, जिसे हम कहें भोजन पहुंचता है। आंतरिक भित्ति होती है उसमें हमें एक अंतर्वलन भाग देखने को मिलता है, या यूं कहें कि उसकी आंतरिक भित्ति अंदर से मध्य में से अंतर्वलित होकर ल्यूमेन को या अवकाशिका को दो भागों में विभक्त कर देती है और वो दो भाग जो होते हैं वो कहलाते हैं पृष्ठीय चैम्बर और अधर चैम्बर। काटते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये अंदर की तरफ की जैसे हम कहें आहार नाल की बाहरी भित्ति जिसे हम यहाँ पे पेरिटोनियम कहेंगे, इसके नीचे मसल्स और ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अंदर की तरफ जो ये एपिथिलियम देखने को मिल रही है वो ये इस तरह से एपिथिलियम देखने को मिलेगी, इस तरह से ये अंदर की तरफ धसकर और ये दो भागों में ये विभक्त हो जाती है। यहाँ ऊपर जो है सलाइवरी ग्लैंड सेल्स उपस्थित होती हैं, ये अंदर की तरफ ये सीलेटेड है तो यहाँ से सलाइवा सीक्रेट करके या लार स्रावित करके और इस चैम्बर में डाल देती है। इस चैम्बर को हम क्या कह रहे हैं, लार प्रकोष्ठ। और ये वाला अदर चैम्बर जो है कंडक्टिंग चैम्बर या संवहनी प्रकोष्ठ। इस तरह से ये दो प्रकोष्ठ बन गए। भोजन इसमें आता है मुख गुहा से, लार मिलती है उसमें और लार के बाद मिलने के बाद में जिसमें कि लार में एंजाइम होते हैं और उसको स्नेहक प्रदान करते हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में भोजन इस वेंट्रल शेल्फ में आ जाता है और जहां से पीछे की ओर ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस यहाँ 5वें 6वें 7वें खंड में स्थित होती है, सरल नलिकाकार संरचना है, इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, लेकिन भोजन पहुंचता है इसके बाद में 8वें खंड में और जहां पर पेशनी स्थित होती है।
एसोफेगस बड़ी एनलार्ज हो जाती है और पेशीय हो जाती है, मस्कुलर होती है, ये पेशनी भाग कहलाता है। अगर हम पेशनी भाग की संरचना का डायग्राम बनाएं, पेशनी की ल्यूमेन है जिसमें अंदर इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्यूटिकल का होता है। तो क्यूटिकल का स्तर होने के कारण से इसमें ये डेंट जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, कुछ एक गड्ढे जैसी संरचनाएं रहती हैं, कुछ एक ये डेंट जैसी हार्ड स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती हैं। तो इसके चारों तरफ सर्कुलर मिसेस देखने को मिलेगी, ये ल्यूमेन देखने को मिलेगी, ये डेंट देखने को मिलेगी, क्यूटिकल का स्तर देखने को मिलेगा। ये क्यूटिकल का स्तर, जब ये सर्कुलर मसल्स में क्रमाकुंचन की गति होगी तो ये डेंट इन गड्ढों में चले जाएंगे, डेंट इन गड्ढों में इस तरह से फंस जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें जो भोजन आ रहा है उसमें जो पत्तियां और कोई भी मोटे कण अगर उपस्थित हैं तो इसमें वो क्या पिस जाएंगे, ग्राइंडिंग होगी। इसलिए इस गिजर्ड का नाम, पेशनी का नाम ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। ये हो गई ग्राइंडिंग या पीसने की मशीन, पेशनी। बाद पिसने के बाद में भोजन पहुंचता है आमाशय के अंदर, और आमाशय 9 से 14वें खंड में, हमने बताया आमाशय 9 से 14वें खंड में उपस्थित होता है। यहाँ से भोजन, पेशनी से भोजन इसमें पहुंचता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चौक सैद्रस से पदार्थ स्रावित होता है। यह पदार्थ कैल्शियम धर ग्रंथियों से स्रावित होता है। इससे क्या काम होगा, मृदा में उपस्थित ह्यूमिक एसिड होता है जिसको ये उदासीन या न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब भोजन आ जाता है आंत्र के अंदर, आंत्र के प्रथम भाग जिसे हम प्री टिफ्लोसोलर रीजन कहते हैं, जो 15वें से 26वें खंड तक उपस्थित होता है। इस भाग की हम बात करते हैं तो इसमें मुख्यतया काम होता है पाचन का। इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स स्रावित होते हैं। तो इसमें इससे स्रावित पेप्सिन और ट्रिप्सिन वो प्रोटीन का पाचन करेंगे, इससे स्रावित एमाइलेज और सेल्युलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, लाइपेज वसा का पाचन करेंगे। तो मुख्य पाचन जो है प्री टिफ्लोसोलर रीजन में होता है। इसके बाद में भोजन 27वें खंड से और अंतिम 23 से 25 खंड छोड़ दें, तो यूं कहें कि 26वें खंड से और 90-95 खंड तक फैली हुई टिफ्लोसोलर रीजन, आंत्र वलन क्षेत्र, उसमें भोजन पहुंचता है जहां से मुख्यतया अवशोषण का काम होता है। यहाँ अवशोषण के लिए कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं, उनकी अगर हम बात करें, अगर हम डायग्राम बनाएं तो उसका भी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये जब भी आप आंसर देंगे तो उसमें ये सब चीजें करेंगे, ये तीन डायग्राम आपको इसमें पाचन तंत्र में बनाने होंगे, जैसे टीएस ऑफ फेरिंग्स, टीएस ऑफ गिजर्ड और टीएस ऑफ टिफ्लोसोलर रीजन। ये बाहर की बॉडी वॉल हो गई, इसमें हम देखते हैं कि अंदर की तरफ ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल की पेरिटोनियम होगी, इसमें ये एपिथेलियम हो जाएगी। तो इस एपिथेलियम के अंदर ये वलन उपस्थित होते हैं, फोल्डिंग्स। हम जानते हैं आंत्र में वलन उपस्थित होते हैं जो अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये आंत्र में जो वलन उपस्थित हैं ये अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पेशियां उपस्थित होती हैं और अंदर की तरफ ये एपिथेलियम उपस्थित होती है, यहाँ क्यूटिकल का स्तर नहीं होता। लेकिन इनमें, इन वलनों में से एक वलन, मिड डोर्सल वलन जो होता है, इसको कहते हैं टिफ्लोसोल, और ये बड़ा साइज का होता है, और इसी के कारण से इस क्षेत्र का नाम टिफ्लोसोलर रीजन देते हैं 27वें से, या आंत्र वलन क्षेत्र कहते हैं 27वें से, और 90-95 खंडों तक ये क्षेत्र उपस्थित होता है। इसमें भोजन का मुख्यतया अवशोषण का कार्य होता है, भोजन यहाँ इन आंत्र वलनों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसके बाद में भोजन पहुंचता है रेक्टम के अंदर, जिसे हम कहते हैं आंत्र वलन पश्च क्षेत्र, जो पिछले 23 से 25 खंडों में उपस्थित होता है। यूं कह सकते हैं कि 95-96 से लगा के और 120 खंडों तक एनस, अंतिम खंड पर स्थित, जिसे हम कहते हैं गुदा, वहां के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। कृमि क्षतियों के रूप में ये अपचित भोजन को बाहर निष्कासित कर देता है। थैंक यू।